हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं बनाने वाली हूँ दही से एक शानदार रेसिपी। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया है एक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, एक कटोरी थिक दही है। अगर आप घर का दही यूज कर रहे हैं तो आप उसे कपड़े में बांध करके 2-3 घंटे के लिए टांग दीजिए, जिससे उसमें जितने भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो निकल जाएंगे और दही थिक हो जाएगी। अगर आपके यहाँ मार्केट में थिक दही मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और कुछ लिया है चीज़ की स्लाइसेस, ब्रेड, मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है सेजवान चटनी जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और यह है टमाटो केचप। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बोल में सारी चीज़ों को मिलाना है। इसमें डालिए सबसे पहले दही, ऐड करेंगे कटा हुआ लाल टमाटर, डालेंगे हरी धनिया पत्ती, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और ये कैप्सिकम शिमला मिर्च। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये सैंडविच बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं। तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। अब इनको अच्छे से मिला लेना है। काली मिर्च डालने से इस सैंडविच का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बस ये फिलिंग तैयार हो गई। मैंने लिया है 4 ब्रेड की स्लाइसें। अब इस पर लगाऊंगी मैं सेजवान चटनी। इसको इस पर अच्छे से स्प्रेड करना है। सेजवान चटनी आपके पास ना हो तो आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ब्रेड पे सेजवान चटनी लगाना है और 2 पर टोमेटो केचप। तो 2 ब्रेड पर मैंने सेजवान चटनी स्प्रेड कर दिया। अब 2 ब्रेड पे लगाऊंगी टोमेटो केचप। आप हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिलिंग को अच्छे से मिला लीजिए। अब 2 ब्रेड पे हम इस फिलिंग को स्प्रेड करेंगे। मैंने फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इस पे लगाऊंगी चीज़ की स्लाइस। अब ये वाला ब्रेड इसके ऊपर रख देना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि ये चिपक जाए। इसी तरीके से इसको भी। अब इसको मैं तवे पर सेकूंगी। अब तवे पर डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छे से फैला लेना है। अब फ्लेम बिल्कुल लो करना है और इसको एक प्लेट से ढक देना है। अब इसे मैं ढक दूंगी। आप ऐसे बर्तन से ढकिएगा जिससे चारों तरफ से कवर हो जाए। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि जो इसके अंदर चीज़ की स्लाइस है वो मेल्ट हो जाए। थाली हटा के इसे दूसरे साइड टर्न कर देते हैं ताकि दोनों तरह से सुनहरा ब्राउन होने तक यह पक जाए। ये देखिए, एक साइड में अच्छा सा इसका रंग आ गया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी सेक लेना है। फिर इसको मैं ढक देती हूँ। अब मैं देख लेती हूँ। देखिए, मेरी सैंडविच बिल्कुल हो गई है रेडी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छा कलर आया है। अब मैं इसकी कर लूँगी प्लेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दही चीज़ सैंडविच बनके हो गया है रेडी। आप भी इसे ट्राई करें।
इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। Subscribe for more videos.